हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एंशंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था मिडिवल इंडिया यानी कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में। आज थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में मॉडर्न इंडिया जो है वो कंप्लीट करेंगे। देखो, मॉडर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया में ही हमारा देश जो है वो गुलाम बना था, और मॉडर्न इंडिया में ही हमारा देश आज़ाद भी हो गया था। तो सब कुछ समझेंगे हम स्टार्टिंग से एंड तक। आपको वीडियो को बस लास्ट तक देखना होगा। यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या हुआ था कि जो अंग्रेज़ थे या जो भी फॉरेन इन्वेजन्स थे इंडिया को छोड़ के, जो बाहर से देश यहाँ पर जिन्होंने एंट्री की थी, वो पहले तीन चार तरह के, तीन चार देश थे जिन्होंने यहाँ पर एंट्री की थी। उन्होंने ट्रेड करने की कोशिश की और आपस में उन्होंने लड़ने झगड़ने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ पर एक देश ऐसा रह गया था जिसने हमें गुलाम बनाने की कोशिश की, और कुछ हद तक वो सफल भी हो सका था, आप ऐसा कह सकते हो। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर। पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर पोर्चुगीज़ की, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पे पोर्चुगीज़ में, अगर हम बात करें, हम पढ़ते हैं कि वास्को डगामा जो उन्होंने सी रूट डिस्कवर किए थे इंडिया में 1498 में, तो हुआ क्या था कि वास्को डगामा को यहाँ पे 1498 में भेजा गया कि तुम जाओ वहाँ पर, तुमने क्या करना है, जो यूरोप से जो समुद्र का रास्ता सी रूट जाता है इंडिया की तरफ, उसे ढूंढना है। उन्होंने वो काम कर दिया, और जब उन्होंने एंट्री की इंडिया में 1498 में उन्होंने एंट्री की थी इंडिया में, तो उनको किसने तब रिसीव किया था? देखो, हिंदू रूलर थे कैलीकट में जिनका नाम था जैमोरिन, उन्होंने वास्को डगामा को रिसीव किया था वहाँ पर। अब मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं आपको जो भी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ आए एक्चुअल में कि हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री में होता क्या, हुआ क्या क्या था, और साथ ही साथ आपके पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैं यहाँ पर नोट्स भी तैयार करता हूँ, ताकि आपको नोट्स में कुछ भी एक्स्ट्रा ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चंस आया था एक बार किसी एग्ज़ाम में कि उनको किसने रिसीव किया था, तो नाम पूछा गया था उसका, तो जैमोरिन नाम था। तो मैं आपको बता भी दे, कैलीकट का वो रूलर था, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ें बताऊँगा सभी इंपॉर्टेंट हैं। तब यहाँ पर ये भी फिर से क्वेश्चन पूछा गया था, तब यहाँ पर लिखा मैंने, देखो फ्रांसिस्को और अल्फोंसो वहाँ पे गवर्नर थे, फर्स्ट और सेकंड गवर्नर थे पोर्चुगीज़ के, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपने ट्रेडिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, पहले कैलीकट में, फिर कोचिन में, फिर कन्नौर में इन्होंने कर दिया अपने ट्रेडिंग स्टेशन, जहाँ से वो ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे वो इस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। पहले क्या था, जो कोचिन थी वो पोर्चुगीज़ की इंडिया में कैपिटल थी, कोचिन के बाद उन्होंने गोवा को कैपिटल बना दिया। इतना क्लियर हो गया, एक हिस्ट्री, ब्रीफ सी हिस्ट्री पोर्चुगीज़ का आपको समझ आ गया होगा। फिर हम चलते हैं डच की तरफ। अभी हम पहले सभी की एंट्री करवा रहे हैं, उसके बाद इनकी लड़ाई करवाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं डचेस की तरफ। डच में क्या हुआ था, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। डच वालों ने क्या किया, अपनी फैक्ट्रीज कहाँ पे बनाना स्टार्ट की, पहले मसूलीपट्टनम में, पुलिकैट में, सूरत में, और इस तरह से वो चलते गए। इतना क्लियर हो गया, पोर्चुगीज़ की एंट्री हो गई, डच की एंट्री हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की एंट्री। इंग्लिश की एंट्री हालांकि पहले हुई थी, जॉन मिल्टन हिल जो थे वो पहले इंग्लिश मैन थे जो इंडिया में पहुंचे थे 1599 में। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इन्होंने राज किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कब बनी थी, 1600 में, तो वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करते हैं। तो ये 1600 में बनी, हालांकि बाकी कंपनीज भी थी, इन्होंने राज कैसे किया वो भी हम कुछ देर में समझेंगे। इतना क्लियर हो गया। कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय ये आए थे जहांगीर के कोर्ट में, ताकि वो परमिशन ले सकें फैक्ट्रीज ओपन करने के लिए, और जहांगीर इनको परमिशन दे दिया था। यह मेडिवल इंडिया में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो ये नाम भी आपको याद रखने। इतना क्लियर हो गया, पोर्चुगीज़ का हमने पढ़ लिया, डच का हमने पढ़ लिया, इंग्लिश का हमने पढ़ लिया। अब हम चल रहे हैं फ्रेंच की तरफ। फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1664 में बनी, डच की ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, और फ्रेंच की जो बनी थी वो 1664 में बनी। तब हुआ क्या, उसके बाद ये इनका ट्रेड वगैरह चलता गया, जैसे डुप्लेक्स जो था वो गवर्नर बनकर आया इंडिया में, उसके बाद ही एंग्लो फ्रेंच जो वॉर्स थी यानी कि कन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट हो गया था। एंग्लो फ्रेंच की बात करूँ, इस इनकी जो लड़ाइयाँ हुई थी उसे कार्नेटिक वार भी कहा जाता है। जब मैं बात करूँ एंग्लो फ्रेंच की, मैं बात करूँ इंग्लिश और फ्रेंच की बात करूँ, ठीक है, इनकी लड़ाई को कार्नेटिक वार्स भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश ने कैसे बाकियों को हटाया और ख़ुद राज करना यहाँ पर स्टार्ट किया था। पहले हम बात कर लेते हैं पोर्चुगीज़ से कैसे निपटारा किया इन्होंने। देखो हुआ क्या, 1661 में क्या हुआ, जो किंग थे पोर्चुगल, उन्होंने बॉम्बे दे दिया किसको, चार्ल्स सेकेंड को, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था। क्यों दिया, क्योंकि जो चार्ल्स सेकेंड था इंग्लैंड का, इसने जो किंग की बहन से शादी की, और शादी में जो दहेज देते थे उसके तौर पर अंग्रेज़ों, पोर्चुगीज़ ने क्या किया, अंग्रेज़ों को बॉम्बे दे दिया दहेज में।
तो यहाँ से इंग्लिश का और पोर्चुगीज़ का जो मसला था वो हल हो गया। इंग्लिश को पोर्चुगीज़ तो कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि जो इंग्लिश था वो 40 सेकंड था, उसके अंदर 40 सेकंड आता था इंग्लैंड का, तो उनको दहेज में तो बॉम्बे मिल गया, तो अब उनको इंग्लिश वालों को भी कुछ नहीं चाहता और पोर्चुगीज़ वाले भी शांत हो चुके थे एक तरह से, तो यहाँ से इनसे तो निपटारा हो गया। आगे चले डच से, इन्होंने कैसे छुटकारा पाया, लड़ाई हुई थी जहाँ पर बैटल ऑफ बेदारा हुई थी 1759 में, इसमें इंग्लिश वाले जीत गए, इतना भी क्लियर हो गया, तो यहाँ से इनका भी छुटकारा हो गया। बचे फ्रेंच, फ्रेंच से इन्होंने, मैं आपको बताया था कार्नेटिक वार्स हुई थी, उससे फ्रेंच का भी काम खत्म हो गया था। यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार 1746 लेके 1748 तक चली, इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार, जिसे कार्नेटिक वार भी कहा जाता है या फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कह सकते हो। इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई एक्सल चैपले वाले, जिसने वॉर को ख़त्म कर दिया। ये ट्रीटी पे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार की बात करें, 1749 से 1754 के बीच में हुई, ट्रीटी हुई थी पौंडीचेरी की, उसने इसको ख़त्म कर दिया। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार की बात करें, 1758 से 1763 तक ट्रीटी हुई पेरिस की, उससे ये वाली लड़ाई ख़त्म हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हो गया था, अंग्रेज़ जो थे, इंग्लिश जो थे, उनका शासन यहाँ पर पूरी तरह से, मतलब एक तरह से उनका दबदबा बन चुका था। इतना क्लियर हो गया। ये तो थी एक तरह की स्टोरी की, जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, जो फॉरेन से यहाँ पर आए थे उनके बीच में जो लड़ाइयाँ हुई थी और किस तरह के उनके हिसाब किताब थे, वो सब आपसे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं उस वक्त इंडिया में भी क्या क्या होता था, साथ में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे बंगाल की, बंगाल की बात करें तो मुर्शिद कुली खान जो था उसको बंगाल का सूबेदार बनाया गया, मतलब कि गवर्नर बनाया गया। उसके बाद कौन कौन आया, शाहजुद्दीन आया, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, ये सब आए। और उनके बाद आए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या किया, इंग्लिश की एक फैक्ट्री थी, जो इंग्लिश जिनके अपने बात की जो जीत चुके थे, सारी जगह हर जगह जीत चुके थे, उनकी फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में, जिसे सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, सीज़ कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार किसी ने अंग्रेज़ों की फैक्ट्री के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इससे पहले भी हालांकि सरफराज खान, अलवर्दी खान की बात करें, ये भी छोटे छोटे स्टेप्स उठा रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, बट सिराजुद्दौला ने क्या किया, उनकी फैक्ट्री को पूरी तरह से वहाँ पर सीज़ कर दिया। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासे। बैटल ऑफ प्लासे से हमेशा बड़ी बार कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, कब हुई, 23 जून 1757 को। ये पहली ऐसी लड़ाई थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई थी, या अंग्रेज़ों ने भारत में आके भारतीयों के खिलाफ लड़ी थी। इतना क्लियर हो गया। इसका नाम क्या है, बैटल ऑफ प्लासे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। याद रखो फिर से, बैटल ऑफ प्लासे कहाँ पर, बंगाल में। क्यों हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सिराजुद्दौला उनकी फैक्ट्री वगैरह को सीज़ कर दिया था, ये सब हो गया था। और फर्स्ट वॉर जो है वो इंग्लिश वालों की, या फिर जो फॉरेन इन्वेजन उन्होंने इंडिया में जो लड़ी थी, वो बैटल ऑफ प्लासे थी। कब हुई, 23 जून 1757। इतना आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं यहाँ पर, देखो 1757 है, इसके बाद हम एक 1857 में भी करेंगे, जब वो 1857 का रिवॉल्ट हम पढ़ते हैं, उसे 100 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। उसके 100 साल जो 1857 हम पढ़ेंगे ना, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, की जो इंडिपेंडेंस के लिए जो, यानी कि आज़ाद होने की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, वो 1857 में लड़ी गई थी। उससे 100 साल पहले पहली लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों की और इंडियंस की, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासे। क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। सिराजुद्दौला कौन, जिन्होंने फैक्ट्री को सीज़ किया था, उसे यहाँ पर हरा दिया गया। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हुई एक और, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हो रही है यहाँ पे, ये 1764 में हो रही है। अब अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, इंडियन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, मीर कासिम, शाहजुद्दौला, शाह आलम सेकंड, ये सभी हार गए। किसे, मुनरो से। मुनरो भी इंग्लिश मैन था, इसे ज़्यादा लड़ाई में हार गए। तो बैटल ऑफ बक्सर भी आपको समझ आ गया, बैटल ऑफ प्लासे भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं मैसूर की तरफ। यहाँ पर क्या हो रहा था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, यानी कि एंग्लो इंग्लिश और मैसूर के बीच में पहली लड़ाई हुई थी, वो 1766 से 1769 तक चली। हैदर अली ने क्या कर दिया, ब्रिटिश उसको यहाँ पर हरा दिया। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई, लड़ाई ख़त्म हुई। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की बात करते हैं, 1780 से 1784 तक चली। हैदर अली यहाँ पर मर गया था, हैदर अली जिसने पहले वार में ब्रिटिश को हराया, सेकंड वॉर में डेथ हो जाती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार की बात करते हैं, 1790 से 1792 तक चलती है। यहाँ पे टिपू सुल्तान जो कि बेटे थे हैदर अली के, वो अपनी आधी टेरिटरी ब्रिटिश को दे देते हैं। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में जो 1799 में हुई, यहाँ पे लॉर्ड वेलेसली ने अटैक किया और टिपू सुल्तान यहाँ पे मर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बैटल ऑफ प्लासे पढ़ा 1757, फिर हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ एंग्लो और ये जो मैसूर वार है उनके बारे में पढ़ा। सब कुछ 1717 और 18 के बीच में चल रहा है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, हम पंजाब के बारे में पढ़े थे, पंजाब में क्या चल रहा था। पंजाब में हुई पहले फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई 1845 से 46 में, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई। सेकंड एंग्लो सिख वार हुई 1848 से 49 में, डलहौजी ने एक तरह से पंजाब को जीत लिया। तो यहाँ पे पंजाब को भी आस्ते आस्ते काम खत्म हो रहा था, उन पर भी कब्जा करने की कोशिश कर चुके थे वो। इतना क्लियर हो गया।
अब चलते, एक तो अंग्रेज़ों ने ये सब कर लिया था, जो भी हमारे अलग राज्य थे, जो भी मतलब जहाँ पे राजा राज करते थे उनका हिस्सा तो ले रहे थे, फैक्ट्रीज ओपन कर रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बना दिया जिसके कारण और लोग भड़क उठे थे। वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस तरह का था वो हम पढ़ लेते हैं। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो तीन तरह के हैं। सबसे पहला है परमानेंट सेटलमेंट, जिसे ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, परमानेंट सेटलमेंट या फिर ज़मींदारी सिस्टम जो है वो लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास, इस तरह से चलते गए, वो इसको हर जगह इंट्रोड्यूस करवाते गए। 1793 में लागू किया गया, मतलब 1793 में हर जगह इन्होंने लागू कर दिया था। इसमें क्या कर दिया गया, जो भी ज़मींदार थे उनको बना दिया गया, तुम इस ज़मीन के जो भी हिस्सा है इसका तुम ऑनर हो, तुम इसके मालिक हो। अब तुमने क्या करना है, ज़मींदारों का को कहा गया कि तुमने क्या करना है, मान लो कि ज़मीन के 11 हिस्से हैं, मान लो कि ज़मीन के 11 हिस्से हैं, उस 11 में से एक हिस्सा आपने अपने पास रखना है। ज़मींदारों को कहा, मतलब उस एक, जैसे 11 हिस्से हैं ना, 11 पार्ट कर दे डिवाइड के, उन 11 पार्ट से जो भी रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, जो भी पैसा आप कलेक्ट कर रहे हो, उसका उस 11 हिस्से में से एक हिस्सा जो है, एक हिस्से का जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो आप अपने पास रखो, बाकी जो 10 पार्ट हैं, बाकी जो 10 पार्ट जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो सभी हमें दे दो। ये हो गया परमानेंट सेटलमेंट में या फिर ज़मींदारी सिस्टम में, इतना क्लियर हो गया। फिर आया रोतवारी सिस्टम। रोतवारी सिस्टम में क्या हुआ, ये बम्बे और मद्रास में स्टार्ट किया गया, थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया 1320 में। यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट सेटलमेंट की गई। अब यहाँ पे ज़मींदार वाला सिस्टम नहीं था, यहाँ पे गवर्नमेंट के बीच में और रियोत यानी कि जो कल्टीवेशन करता था उसके बीच में सेटलमेंट हुई, उसके बीच में एग्रीमेंट्स वगैरह हुई, तब इसका नाम रियोतवारी सिस्टम रखा गया। इसमें क्या कर दिया, एक ज़मीन का कोई भी हिस्सा ले लिया, मान लो आपकी ज़मीन है, वहाँ पर क्या कर दिया, आपकी ज़मीन देखी गई वहाँ पर कि हाँ आपकी ज़मीन में ये खेती हो सकती है, आप इतनी उपज कर सकते हो, इतना आप जो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। तो 30 साल तक फिक्स किया गया कि आपने इस ज़मीन से इतना रेवेन्यू, जितना भी, जैसे मान के चलो ये इतना ज़मीन का हिस्सा है, तो कहा गया कि आपको इस हिस्से में से आपको हर हर महीने 500 रुपये मुझे देने ही देने, जो मर्ज़ी हो जाए आपकी, चाहे वहाँ पे उपज हो या ना हो, मुझे यहाँ पे फिक्स 500 रुपये चाहिए चाहिए, अगले 30 साल तक आपको ये सब करना पड़ेगा। ये था रियोतवारी सिस्टम में। फिर उसके बाद आया महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में क्या हुआ, ये गंगा वैली, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया के, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, वहाँ पे लागू किया गया। इसको एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन कहा जाता है ज़मींदारी सिस्टम का। इसमें क्या क्या सेटलमेंट्स किसके बीच में हुई, अब यहाँ पे इसको अपडेटेड वर्जन, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मॉडिफाइड वर्जन ज़मींदारी सिस्टम का, सब कुछ वैसा ही था, बस ये था कि विलेजेस के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में सेटलमेंट हुई यहाँ पर, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस तरह का था। अब हम चलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ, क्योंकि बहुत कुछ हो गया था, अब हमें आज़ादी चाहिए। तो मैंने आपको बताया पहली वॉर, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, वो कौन सा था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। इसके बारे में हम समझते हैं इसमें क्या क्या हुआ था, पहले इसका थोड़े से कॉजेस समझ लेते हैं, क्या कारण थे इस रिवॉल्ट के, ठीक है, वो समझ लेते हैं। इसे मैंने आपको पहले बताया था 1757 में जो पहली लड़ाई थी अंग्रेज़ों के भारतीयों के खिलाफ, वो थी बैटल ऑफ, जो हमने प्लास से पढ़ा था। ये अब हम 1857 तक आ चुके हैं। यहाँ पर इसके कारण क्या थे लड़ाई के, एक तो था हमारे पास मिलिट्री कास्ट, मिलिट्री रीज़न में क्या था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। इंडियन सोल्जर्स भी आर्मी में थे और जो ब्रिटिश थे वो भी थे, उनको सारी फैसिलिटी दी जा रही थी, इंडियन सोल्जर्स को नहीं दी जा रही थी, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे चल रहा था, एक ये रीज़न था। साथ ही साथ वहाँ पर क्या कहा गया था, या अफवाह फैलाई गई थी, सच तो जो भी था, ये कहा गया था कि ये बात चल रही थी कि इनफील्ड राइफल्स और नई राइफल्स वहाँ पर आई थी, इनफील्ड राइफल्स, कहा गया कि जो कार्ट्रिजेस हैं उस पर ग्रीस लगी रहती है, मतलब उसको अगर चलाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो कार्ट्रिज होती है उस पर ग्रीस किसकी लगी थी, कहा गया एक जो गाय का मांस और जो सुअर पॉर्क जो रहता है उसकी वहाँ पे ग्रीसिंग वहाँ पे की जाती थी, जिसके कारण हिंदू भी भड़क उठे थे और साथ ही साथ मुस्लिम भी यहाँ पर भड़क उठे थे। इतना क्लियर हो गया। पॉलिटिकल रीज़न की तरफ चलते हैं। पॉलिटिकल रीज़न में क्या था, अवध जो था उस पर कब्जा किया गया, उसी तरह से झांसी, नागपुर, संबलपुर, ऐसे कई वो राज्य थे जहाँ पर उन्होंने कब्जा किया था। क्यों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, यहाँ पर कहा गया अंग्रेज़ों के द्वारा कहा गया, अगर कोई ऐसा राजा है, अगर मान लो कोई राजा किसी पर्टिकुलर, जैसे अवध मान लो इसका कोई राजा है, अगर ये मर जाता है तो उसका अगर बेटा है तो वो राजा बन जाएगा, क्लियर है। अगर इसका कोई बेटा ही नहीं है, इसने कोई बेटा अडॉप्ट किया है, कोई सन इसने अडॉप्ट किया है, तो वो वहाँ का राजा नहीं बन सकता, फिर वो हमारे अंडर आ जाएगा। तो जैसे अवध की बात करें, जैसे हमने बात की नाना साहिब की, ये पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। तो हालांकि जैसे पेशवा बाजीराव की डेथ होती है उसके बाद इनको राज्य नहीं मिलता है, तो अंग्रेज़ अपने अंडर कर लेते हैं। तो ऐसे जैसे अवध की बात की, झांसी, नागपुर, संबलपुर, ऐसे कोई भी राजा थे जहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगी और उसके कारण उनके जो राज्य थे वो छिन गए थे। तो ये भी पॉलिटिकल रीज़न था कि 1857 का विद्रोह हुआ।
सोशल और रिलीजियस कास्ट की तरफ चलें तो सती प्रथा को 1829 में ख़त्म कर दिया इन्होंने। उसी के साथ साथ विडो जो विधवा को दोबारा शादी करने की परमिशन दे दी थी, हिंदू मुस्लिम को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की जा रही थी ज़बरदस्ती। तो ये सारे कुछ सोशल और रिलीजियस कारण थे वहाँ पर। इकोनॉमिक कारण की बात करें तो टैक्सेशन हैवी कर दिया था, जो ट्रेडिशनल है हैंडीक्राफ्ट थे हमारे द्वारा बनाए गए उनको ख़त्म किया जा रहा था, इंडियन प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जा रहा था, रेवेन्यू सिस्टम आपको मैंने बताया, ये सारे कुछ इकोनॉमिक कारण थे। इतना आपको यहाँ पर समझ आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं कि बिगनिंग की, एक तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों हो रहा था यहाँ पे और ये फैला कैसे, रिवॉल्ट इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हुआ, 29 मार्च 1857 की बात कर लेते हैं। एक इंडियन सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। क्लियर हो गया, मंगल पांडे जी ने क्या किया, दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। फिर इंडियन सोल्जर्स को कहा गया जो वहाँ पर थे उस वक्त, कहा गया कि तुम इन्हें अरेस्ट करो, और वो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया, कहा कि हम मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ से वो जो लड़ाई है, विद्रोह है, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेंटर की, कहाँ कहाँ पर विद्रोह हो रहा था और वहाँ पर इंडियन लीडर कौन कौन थे वो समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम से क्वेश्चन यहीं पर आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पहले बात करें दिल्ली की, दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह सेकंड जफर थे और उनके कमांडिंग जनरल भगत खान। झांसी की बात करें रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर की बात करें नाना साहिब थे और साथ में साथ कमांडर कौन थे, तांता टोपे। बिहार की बात करें अमर सिंह और कुंवर सिंह। लखनऊ की बात की जाए बेगम हजरत महल। इलाहाबाद की बात की जाए लियाकत अली। फिर बरेली की बात अगर हम करें खान बहादुर खान। अगर हम मथुरा की बात करें देवी सिंह। मेरठ की बात करें कदम सिंह। इतना क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, याद रखना, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा आपका 1857 से तो वहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि उसका विद्रोह का कारण क्या था, वो सब बताओ, वो सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे आपके, ठीक है, सेंटर कौन था और वहाँ पे इंडियन लीडर कौन था वक्त। अब इसके फेलियर के रीज़न क्या थे, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया, देखो कुछ ही हिस्से में, इंडिया के कुछ ही हिस्से में ये जो कन्फाइंड रह चुका था कुछ हिस्से तक ये सीमित था। क्लियर हो गया, पूरे इंडिया में नहीं था, अगर पूरे इंडिया में होता यूनिटी होती तो अलग बात है, फिर कुछ हो सकता था। ये सिर्फ छोटे से हिस्से में कुछ, जैसे मैंने आपको बताया 5-6 जगह, 7-8 जगह बताई आपको, वहीं तक था ये यहाँ पे। उसके बाद सिपाही की बात कर लें, पीजेंट्स की बात कर लें, ज़मींदारों की बात करें, कुछ ऐसे एजुकेटेड पीपल की क्लासेज हो गई, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, ये भी एक रीज़न माना जाता है। सभी के अलग अलग मोटिव थे, एक एम तो था नहीं पर्टिकुलर सभी का, सभी अपने अपने अलग अलग एम को लेकर वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, ये भी रीज़न था कि ये फेलियर हो गया था। 1857 का जो विद्रोह था वो सही नहीं चल पाया। जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे वो आपको पता उनके कंपैरिजन में तो कमज़ोर ही थे, ये भी रीज़न था। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि 1857 में, अगस्त 1858 में क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया। जैसे हमने पढ़ा ना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी, उन्होंने उस कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया। बट उन्होंने किया क्या कि अब जो कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो ब्रिटिश क्राउन पे ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंडिया पे राज करेगा। पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, अब उसको हटाकर ब्रिटिश क्राउन के यहाँ पर अंडर उनको कर दिया। क्लियर हो गया, अब क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था इंडिया का उसको वायसराय का टाइटल दिया गया, बस नाम चेंज कर दिया। रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, अब उन्हें समझ आ गया था कि इंडियंस जो हैं यहाँ पर वो आज़ादी चाहते हैं, हमसे लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड और रूल वाली पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया। क्लियर हो गया, अब चलते हैं हम आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की तरफ, जिसकी स्थापना आप 1885 कह सकते हो, 1885 में हुई। इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन किसने बनाया, AO ह्यूम ने 1884 में, और AO ह्यूम के द्वारा ही हम कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, INC की स्थापना हुई थी 1885 में। क्लियर हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, 1885 में, इंडियन नेशनल यूनियन बनी थी 1884 में, दोनों को किसने बनाया, AO ह्यूम ने। अब यहाँ पे हुआ क्या था, कॉन्फ्रेंस होनी थी पुणे में, दिसंबर 1885 में पुणे में कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसका वेन्यू बाद में चेंज करके बॉम्बे कर दिया गया। वो जब 1885 में होनी थी उसी कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया हम इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन की जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस रखेंगे। अब पहला सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको 72 डेलीगेट्स ने यहाँ पर अटेंड किया था, पूरे इंडिया से आए थे वो। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो AO ह्यूम ने की थी। कब हुई थी, 1885 में हुई थी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टेबल से बनते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हमने कहा ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमने बात की, इनका सेशंस हुए थे, 4 सेशंस हुए थे, उनके ईयर पूछे जाते हैं, कहाँ पर हुए थे और किसके अंडर हुए थे, वो सब चीज़ें पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट सेशन की बात करें 1885 में हुआ, सेकेंड सेशन की बात करें 1886 में हुआ,
थर्ड सेशन 1887, फोर्थ सेशन 1888 में हुआ। क्लियर हो गया? फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। सेकंड सेशन कलकत्ता में, थर्ड सेशन मद्रास में और फोर्थ सेशन अलाहाबाद में। इतना आपको क्लियर हो गया? बॉम्बे, जब मेरा फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में, तो वहाँ पे कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे, इनके चेयरमैन थे, एक तरह से कह सकते हो लीडर थे। सेकंड कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में, इसमें कौन थे? दादाभाई नौरोजी। थर्ड सेशन हुआ था मद्रास में, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम लीडर थे। फोर्थ कहाँ पर हुआ? अलाहाबाद में, कौन थे? जॉर्ज ली, पहले इंग्लिश थे जो वहाँ पर जो चेयरमैन बने थे। इतना क्लियर हो गया? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमने बात की, इसमें दो तरह के लीडर्स थे, एक थे मॉडरेट लीडर्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। मॉडरेट लीडर्स जैसे हम हिंदी में कहते हैं गर्मपंथी, नरमपंथी, वो पढ़ते ना, वो सब पढ़ते थे हिंदी में। तो मॉडरेट लीडर्स में कौन हो गए? जो कि जिनका रहता था कि हम आराम से प्यार से बातें करेंगे तो उनको समझाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट की सोच कैसी थी कि ये प्यार से नहीं समझने को डंडे मारो, प्यार से नहीं समझना इन्होंने, वो थे एक्सट्रीमिस्ट वाले। मॉडरेट लीडर्स में जैसे दादाभाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सभी हमने पढ़े ना, इन्हीं को लीडर बनाया गया था सेशंस में, आईएनसी के सेशंस में। एक्सट्रीमिस्ट तो कोशिश करते थे कि हमें भी बनाया जाए, लेकिन इन्हें बनाया नहीं जाता था। मॉडरेट लीडर्स वाले जो उनको चुना जाता था कि तुम बनोगे यहाँ पर आईएनसी के चेयरपर्सन, जो भी है, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, रास बिहारी घोष हो गए। एक्सट्रीमिस्ट लीडर में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, श्री अरविंदो घोष, ये सारे कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर में यहाँ पर ये आते थे। इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, किसने किया? क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। उन्होंने क्या किया? उसने क्या किया? बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया यहाँ पे ईस्ट बंगाल, जिसे बांग्लादेश कहा जाता है आज के टाइम पर, और एक कर दिया वेस्ट बंगाल, जिसे कलकत्ता कहा जाता है, तब ढाका, अब बांग्लादेश कहा जाता है ना आज के टाइम पे, तो वो ईस्ट बंगाल था और वेस्ट बंगाल कौन सा? कलकत्ता वाला रीजन हो गया। इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ये हो गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब हम पढ़ते हैं बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। ये कब हुआ? 1905 में इसका ईयर पूछा जाता है। यहाँ पे बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ? कहा गया कि हम अब जो भी ब्रिटिश की बनी हुई जो भी चीज़ें, अंग्रेज़ों की जो भी चीज़ें बनी हुई है, उनका बायकॉट करेंगे, वो हम नहीं खरीदेंगे, उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, और स्वदेशी अपने देश में बनी हुई चीज़ों को हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। और कुछ हद तक ये जो मूवमेंट था सफल भी रहा। ये हम बात करें 1905 की। बट यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर दो तरह के विचारधारा थे, हमने कहा ना मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट मानते थे कि सिर्फ कुछ ही जगह पर ये लगे, मतलब जैसे बंगाल में ही हम करेंगे। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो सोचते थे हम पूरे इंडिया में इसे चलाएं। मॉडरेट सोचते थे कि यार ये क्या करेंगे, हम सिर्फ कपड़े वगैरह नहीं खरीदेंगे उनके, लेकिन पढ़ेंगे वगैरह। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे उनकी पढ़ाई, उनके जो सिस्टम से हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से उनमें भी थोड़े बहुत मतभेद चल रहे थे यहाँ पर। फिर क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करें, इसको किसने सेटअप किया था? नवाब सलीमुल्ला ने, और इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को यहाँ पे अपोज़ किया था। उसके बाद हम चलते हैं सूरत स्प्लिट की तरफ, जो कि वो 1907 में। अब यहाँ पर क्या, देखो जब आईएनसी की स्थापना हुई, मैंने आपको बताया, उसके बाद क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हो गया, पार्टीशन हुआ बंगाल का। अब वो यार एक्सट्रीमिस्ट सोच रहे थे, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट मैंने आपको बताया हमेशा ही कोशिश कर रहे थे कि जो आईएनसी के सेशन थे उनके उनका लीडर वो बने, या आईएनसी के लीडर एक्सट्रीमिस्ट से कोई उठे, बट वो ऐसा हो नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार देखो आप लीडर बने हो, बंगाल का पार्टीशन हो गया, बंगाल का पार्टीशन हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए। फिर मुस्लिम लीग बन गया, आपने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर मतलब उनके बीच मतभेद इतने बढ़ गए थे कि सूरत स्प्लिट में गया, वो लोग 1907 में था। कांग्रेस जो है, आईएनसी जो थे, वो दो पार्ट में बन चुकी थी, एक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। इतना क्लियर हो गया? तभी इसे स्प्लिट कहा जाता है। सूरत में हुआ था ये और दो पार्ट में बन गया था। मॉडरेट की बात करें, इस ग्रुप को कौन लीड कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, लाल बाल और पाल, यानी लाल बहादुर शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये इनको लीड कर रहे थे। इतना क्लियर हो गया? यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, कौन को लीड कर रहा था, कौन को लीड कर रहा था। इतना क्लियर हो गया? आगे चल लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, जो कि 1909 में आए थे, 1909 AD में आए थे। यहाँ पर क्या हुआ? मॉर्ले मिंटो नाम क्यों? क्योंकि लॉर्ड मिंटो जिनको कहा जाता था, वो तब इंडिया के वायसराय थे। रिफॉर्म्स में कहा क्या कहा गया? ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, मुसलमानों के अलग से इलेक्टोरेट, मतलब कहा गया कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स को सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, इस तरह से कहा गया। डिवाइड एंड रूल मैंने आपको बताया था ना, वो यहाँ पे अपना रहे थे, मतलब बांटने की कोशिश कर रहे थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। क्लियर हो गया? उसके बाद स्टार्ट होता है होम रूल मूवमेंट, जो कि 1916 में हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? इंडियन होम रूल लीग की बात करें, बाल गंगाधर तिलक ने बनाया पुणे में,
फिर ऑल इंडिया होम रूल लीग की बात करें, एनी बेसेंट ने बनाया, तो दोनों किसने बनाया, मतलब होम रूल मूवमेंट की बात करें, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का नाम यहाँ पे जुड़ा है, ये या आप याद रखना। 1920 में क्या होता, ऑल ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम जो चेंज करके स्वराज्य सभा रख दिया गया था। अब हम चलते हैं लखनऊ पैक्ट की तरफ। लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 में। अब यहाँ पे सूरत स्प्लिट में कांग्रेस दो पार्ट में बन चुकी थी, बट यहाँ पे फिर से वो कंबाइन हो रहे थे, यूनिटी दिखा रहे थे। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार मिले थे कॉमन प्लेटफॉर्म में, मतलब जब मुस्लिम लीग बनी अलग से बने उसके बाद, यानी कि दोनों के जन्म के बाद पहली बार वो किसी एक स्टेज में इकट्ठे हुए थे और यूनिटी यहाँ पर उन्होंने दिखाई थी। उसी तरह से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी दोबारा से यहाँ पर मिले थे और आपस में यूनाइट हो चुके थे यहाँ पे लखनऊ पैक्ट में। अब हम साथ ही इसे एक दो साल पहले, हमने यहाँ तक पढ़ा भी लखनऊ पैक्ट की बात की, इसे एक दो साल पहले यहाँ पे गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी, तो वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हम पढ़ लें 1893 में क्या हुआ, गांधी जी साउथ अफ्रीका में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 1893 में बात कर रहे हैं, वहाँ पे रेशल डिस्क्रिमिनेशन और तक केंद्र के भेदभाव हो रहे थे, तो गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी वहाँ पर गए। 1914 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका को क्विट किया हमेशा के लिए और इंडिया में आ चुके थे। क्विट क्यों किया था, क्योंकि यार आपको पता है वहाँ पे उनको लग रहा था कि अब थोड़ा बहुत माहौल ठीक हो चुका है, अब इंडिया की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में हालात ख़राब थे। 1914 में वो इंडिया की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, आगे चल लेते हैं। 1915 में वो इंडिया में पहुँचते हैं, इंडिया में बॉम्बे में आते हैं, वो यहाँ पर बॉम्बे में एंट्री करते हैं, सत्याग्रह आश्रम वो बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं गांधी जी ने कैसे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंपारण मूवमेंट की, जो कि वो 1917 में, यहाँ पर क्या होता है, यानी कि गांधी जी जब इंडिया में आए तो पहला जो उन्होंने मतलब इंडियंस के जो इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था, या जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो थी चंपारण मूवमेंट 1917 में। यहाँ पर क्या, वो चंपारण एक जगह है बिहार में, वहाँ के कुछ फार्मर्स थे, वो इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए उनको कहा गया था, तुम इंडिगो की खेती करो, अंग्रेज़ों के द्वारा कहा गया तुम इंडिगो की खेती करो, तो लेकिन वो उसके अगेंस्ट थे फार्मर्स। तो एक फार्मर कल्टीवेटर थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी को किसी तरह से मनाया और कहा कि आप एक बार चंपारण में विजिट करो, और जैसे ही गांधी जी ने वहाँ पे विजिट कर देखा और वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये पहला था चंपारण वाला मूवमेंट। इतना क्लियर हो गया, 1917 की बात कर रहे थे। उसी तरह से एक अहमदाबाद मिल मूवमेंट होता है 1917 में, वहाँ पे भी गांधी जी जाते हैं। एक खेड़ा मूवमेंट होता है 1918 में, वहाँ पे भी गांधी जी एंट्री करते हैं। ये थे पहले तीन उनकी लड़ाइयाँ जो उन्होंने लड़ी थी यहाँ पर आने के बाद। फिर हम चलते हैं रोलेट एक्ट की तरफ। रोलेट एक्ट कब आया, 1919 में। ये इस टाइम वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पे वायसराय थे, जस्टिस रोलेट थे, इसलिए नाम इसका रोलेट एक्ट रखा गया। यहाँ पर क्या कर दिया गया, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, उन्होंने इंग्लिश गवर्नमेंट को इतनी पावर दे दी कि तुम क्या करो, किसी को भी तुम अरेस्ट कर सकते हो, किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर सकते हो, किसी को भी जेल डाल सकते हो बिना ट्रायल वगैरह के, और तुम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, किसी को भी जेल में डाल सकते हो, इतनी छूट दे दी थी। और गांधी जी ने फिर सत्याग्रह की आवाज़ उठाई है 6 अप्रैल 1919 में ही, उनको अरेस्ट कर दिया गया 8 अप्रैल 1919 में उनको अरेस्ट कर दिया गया, और इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, रोलेट एक्ट को। अब हम चलते हैं जलियांवाला बाग की तरफ, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो थी उसकी तरफ चलते हैं। डेट याद रखना 13 अप्रैल 1919, जिस दिन बैसाखी का त्यौहार था उस दिन की बात है ये, 13 अप्रैल 1919 की बात करते हैं। अब देखो रोलेट एक्ट हमने बात किया, इसके अंडर इन्होंने क्या किया, एक टाइम ऐसा आया 1919 की बात कर रहे हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, जिसके कारण पंजाब में लोग भड़क उठे थे। पंजाब में जब लोग भड़क उठे कि इनको क्यों अरेस्ट कर दिया भाई, अब उन्होंने कहा, डिसाइड किया कि अब हम एक पब्लिक मीटिंग करेंगे। डिसाइड किया गया जगह कौन से, डिसाइड किया गया जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, और डेट का डिसाइड किया गया 13 अप्रैल 1919 की डेट यहाँ पर डिसाइड की गई थी। इतना क्लियर हो गया। अब इससे पहले वहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होती तो वहाँ पे एक जनरल थे जिनका नाम था जनरल डायर, पूरा नाम था जनरल हैरी डायर, उसको पता लग गया इसके बारे में, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। अब ये नहीं था कि वहाँ पे सिर्फ लोग इसी मीटिंग को लेकर वहाँ पे गए थे, जो इंडियंस थे वो अरेस्ट को लेकर वहाँ पे गए थे, मीटिंग करने गए थे, कुछ लोग वहाँ पे ऐसे घूमने भी आए हुए थे, क्योंकि जलियांवाला बाग है आपको पता है कि जगह अच्छी जगह है, वहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर लोग कुछ घूमने भी आए थे। लेकिन इससे पहले कि मीटिंग स्टार्ट होती जनरल डायर ने क्या किया, वहाँ पर सबको जो भी वहाँ पे उनके सिपाही थे उनको ऑर्डर दे देंगे, तुम क्राउड पे फायरिंग करना स्टार्ट करो, टेंशन मतलब तुम फायरिंग करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। वहाँ से अब निकलने की भी एक छोटी सी जगह थी, वहीं पे वो अंग्रेज़ खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे, और जब वो फायरिंग कर रहे तो कई सारे लोग वहाँ पे मारे गए, कुछ लोग अंग्रेज़ों की गोलियों से नहीं मरना चाहते थे, वहाँ पे कुआं था वो वहाँ पे जाके तो जंप कर लेते अंदर की तरफ कूद जाते हैं वहाँ पे, तो हज़ारों के हिसाब से लोग वहाँ पे जो मरे थे वहाँ पर, शहीद होते आप ऐसा कह सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको बताया जनरल कौन था वहाँ पे, डायर, हैरी डायर, उसको स्पेलिंग था DYER, और यहाँ पे तब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के वो कौन थे, माइकल डायर, ठीक है, स्पेलिंग याद रखना।
सरदार उधम सिंह ने क्या किया, इस माइकल ओडायर को जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, उसको 1914 में मार दिया, गोली मार देते हैं उसको, ठीक है, मर जाता है उसमें वो। ये तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं खिलाफत मूवमेंट की तरफ। खिलाफत मूवमेंट के टाइम पीरियड की बात करें 1920 से 1922 तक, यहाँ पे अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, किसने स्थापना की थी, किसने लॉन्च किया था, अली ब्रदर्स थे दो, एक मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। कहा कि एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट हम चलाएंगे, एंटी ब्रिटिश कैंपेन हम चलाएंगे 1920 में, क्योंकि ब्रिटिश कोशिश कर रहे थे कि जो, जैसे हम कहते हैं ना, जो मुस्लिम्स का जो रिलीजियस हेड होता है उसे खिलाफत कहा जाता था, ठीक है, तो वो उसको हटाने की कोशिश करते थे ब्रिटिश, तो इसलिए ये मूवमेंट के अगेंस्ट थे। यहाँ पर ये जो मोहम्मद अली शौकत अली ने लॉन्च किया कि हम एंटी ब्रिटिश कैंपेन चलाएंगे, गांधी जी ने फुल सपोर्ट किया था, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो भी इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। हम चलते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ 1920 में। यहाँ पर क्योंकि पहली मास मूवमेंट थी जो कि लॉन्च की थी गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को। यहाँ पर बहुत सारे, कई सारे लोग इकट्ठे यहाँ पर हुए थे, साथ साथ चले थे यहाँ पे इस मूवमेंट में। यहाँ पर क्या हुआ था कि गांधी जी ने फिर से वही कहा कि अब हम क्या करेंगे, अंग्रेज़ों की किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, अपने देश की बनी चीज़ों को यूज़ करेंगे। चरखा और खादी जो था वो इंडियन नेशनलिज्म का सिंबल यहाँ पर बन चुका था, और कहा जाता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स होते हैं वो, उन्होंने भी इंडिया इसी टाइम पर वहाँ पे विजिट किया था 1921 में, इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान में। इतना क्लियर हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चले थे हम चोरी चोरा इंसिडेंट की तरफ। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में। इसमें क्या होता है, ये कब होता है, 1922 में होता है चोरी चोरा। एक्चुअली में क्या, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया आता है गाँव वाले, जैसे हम चोरा चोरी 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 कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ पीजेंट्स थे वो वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, एक लोकल पुलिस स्टेशन था वहाँ पे, वो अटैक करते हैं, मतलब पुलिस स्टेशन को बाहर से आग लगा देते हैं, क्योंकि वो जो पुलिस वाले थे वो उनको लाठी वगैरह मार के, तो क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो को मार के तो अपने पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, तो कई सारी भीड़ इकट्ठा होती है और वो जाती है स्टेशन, पुलिस स्टेशन की तरफ, और वो कहते हैं बाहर निकल के बताओ। वो जब बाहर निकलते नहीं हैं तो उनको बाहर से पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिस वाले जो वहाँ पर मर जाते हैं, ठीक है। जब गांधी जी को पता लगता है इसके बारे में, तो वो कहता है कि मैंने कहा था कि शांति से करो, जो मेरा हथियार जो मैं यूज़ करता हूँ वही हथियार आप भी यूज़ करो, शांति से वहाँ पे आप प्रोटेस्ट करो, शांति से आपको जो मैंने कहा कि अंग्रेज़ों की चीज़ें यूज़ नहीं करनी वही काम करो, तो ये काम जो था ये आप हिंसा की तरफ आ चुके हो तो ये काम नहीं चलेगा। तो गांधी जी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको विदड्रॉ कर दिया 2 फरवरी 1922 को। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में क्या हुआ, 1927 में आता है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि इंडिया जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, इंडिया जो है अपने मतलब एक तरह से फ्रीडम को सपने आना स्टार्ट हो गए थे कि फ्रीडम की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया नए नए स्टेप्स ले रहा है, गांधी जी से वो डर चुके थे। अब उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई, मतलब 7 आदमियों के, 7 मेंबर्स की कमीशन बनाया गया, जिसे नाम देगा साइमन कमीशन। उन्होंने किया, 1927 में बनाया था। इस कमीशन को क्या कहा जाता था, वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। वाइट मैन कमीशन क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ वाइट ही थे, इंग्लिश ही थे यहाँ पे, इंडियन कोई था नहीं, इंडियंस के लिए बनाया और इंडियन को ऐड नहीं किया यहाँ पे, तो इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको इंसल्ट फील हुई कि यार हमारे लिए बनाया और हमारा बंदा यहाँ पे कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस कमीशन को बायकॉट करेंगे। बायकॉट कैसे किया, जहाँ भी कमीशन वो जा रहा था वहाँ पे आवाज़ें उठती थी साइमन गो बैक इस तरह के वहाँ पर नारे लग रहे थे। 30 अक्टूबर 1928 को क्या हुआ, जब साइमन कमीशन जो था वो लाहौर में पहुंचा, तब क्या हुआ, लाहौर में लोकल पुलिस थी, उन्होंने क्या किया, जो प्रोटेस्ट वहाँ पे लोग कर रहे थे वो लाठियों से मारना स्टार्ट कर दिया। तब लाला लाजपत राय वहाँ पे हेड थे, तो लाठियाँ जब उनको पड़ रही थी तो उनको वो घायल हो जाते हैं, कुछ टेबल उनकी डेथ भी हो जाती है। यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर 1 नवंबर 1928 की। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं लाहौर कंस्पिरेसी केस की तरफ, ठीक है। लाहौर कंस्पिरेसी केस क्या था, यहाँ पे 17 दिसंबर 1928 की हम बात कर रहे हैं। जेपी सोंदर थे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उसको लाहौर में मार दिया जाता है। इतना क्लियर हो गया, लाहौर रेलवे स्टेशन में मार दिया जाता है। कौन मारता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा उसको मार दिया जाता है। इतना क्लियर हो गया, ये था लाहौर कंस्पिरेसी केस। फिर आता है आगे, इसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, बॉम्ब केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस की बात करें, 1929 की बात करें, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं, उन्होंने बॉम्ब बनाना सीख लिया होता है, बम बना के वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे बम फेंकते हैं, वो वहाँ पे अंदर जाके जहाँ पे वो मीटिंग चल रही होती है वो डिस्कस कर रहे होते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल से डिस्कस कर रहे होते हैं, उसी दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहाँ पर बम फेंकते हैं। बॉम्ब इस जगह पर फेंकते हैं कि वहाँ पर किसी लोग कोई किसी की भी डेथ ना हो, वो बीच में बम फेंकते हैं, ठीक है, ताकि उनको बता सके कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से भागते नहीं हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो लास्ट में क्या होता है, 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वहाँ पर
फांसी दे दी जाती है मार्च 23, 1931 को उनको फांसी दे दी जाती है। इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। लाहौर सेशन की बात करते हैं। लाहौर सेशन कब होता है? दिसंबर 1929 में। INC इंटरनेशनल कांग्रेस की बात करें, प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो बात करते हैं पूर्ण स्वराज की, यानी कि हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं वहाँ पर। दिसंबर 31, 1929 में क्या होता है? जो हमारा तिरंगा है वो पहली बार वहाँ पर लाया जाता है सामने। जनवरी 26 को फिक्स किया जाता है कि इसको हम हमेशा इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाएंगे। फिर आता है हमारे पास साल्ट सत्याग्रह, जिसे डांडी मार्च भी कहा जाता है। कब की बात है? 12 मार्च 1930 की यहाँ पर बात की जा रही है। वायसराय कौन थे तब? लॉर्ड इरविन यहाँ पे वायसराय थे। अब यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी गांधी जी ने 1930 में ही, उसका ये पहला फेज था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब हम क्या करेंगे, जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून है वो हम तोड़ना स्टार्ट करेंगे, पीसफुली शांति से हम क्या करेंगे, उनके सभी कानूनों को हम तोड़ेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो उसका पहला फेज कौन था? साल्ट सत्याग्रह, फिर जिसे डांडी मार्च भी कहा जाता है। गांधी जी ने क्या किया, डांडी मार्च की अगर हम बात करें, साबरमती आश्रम से वो निकले थे, कहाँ की तरफ? विलेज है डांडी, उसकी तरफ निकले थे। वहाँ पे क्यों? उसके पास सी कोस्ट पड़ता है वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने गए, वहाँ पे डांडी में वो पहुँचे थे 19 अप्रैल 1930 में, और साल्ट लॉ जो था उसको ब्रोक किया, कुछ मुट्ठी भर हाथ में पानी, वो समुद्र का पानी जो था वो साल्ट बनाकर, मतलब वहाँ पे कानून था कि तुम नहीं बना सकते यहाँ पे, तो गांधी जी ने खुद बनाया वहाँ पे, तो इसलिए वो उस तरह से उन्होंने साल्ट लॉ को ब्रेक किया था। तो पहला लॉ जो कानून ने तोड़ा वो ये अलग किया था काम। गांधी जी को इस बात पर 5 मई 1930 को अरेस्ट कर दिया जाता है। गांधी जी को अरेस्ट कर दिया तो बाकी लोग वहाँ पर, क्योंकि वो नेशन लीडर थे वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, सभी लोग वो जेल भरो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें तकरीबन 1 लाख लोगों ने, जो 1 लाख जो लोग थे वो जेलों में चलना स्टार्ट हो जाते हैं। जेल ख़त्म हो गई थी, जगह नहीं थी, फिर भी लोग वहाँ पर घुसे जा रहे थे, ये सिस्टम हो गया था। फिर उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये हम बात करें 1942 की, अगस्त 1942 की गांधी जी ने लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लगे थे। गांधी जी का स्लोगन क्या था? करो या मरो, डू आर डाई वाला स्लोगन यहाँ पे गांधी जी का आ गया था। फिर हम बात करते हैं 1947 में माउंट बैटन का प्लान आया था। यहाँ पर क्या था, इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या था कि इंडिया को 2 स्टेट्स में डिवाइड किया जाना था, एक हिंदू स्टेट से हिंदुस्तान का नाम दिया गया, एक मुस्लिम स्टेट से पाकिस्तान का नाम दिया गया। ये था माउंट बैटन प्लान। और 1947 की बात करें, इसी में हमें 1947 में हमें आज़ादी भी मिल जाती है। और यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें बीच में थी, मैं 1942 के बाद 1947 में जंप कर रहा हूँ, जो 1930 मैंने डिस्कस किया, 1930 और 1942, और 1947 में जंप कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ा था, इंडियन पॉलिटी हमने एक ही वीडियो में पूरे डिस्कस किया था। उस इंडियन पॉलिटी में जो बैकग्राउंड था, जो स्टार्टिंग था इंडियन पॉलिटी वाली वीडियो का, उसमें कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। क्योंकि 1942 के बाद क्रिप्स मिशन आया था, और उन्हें ये बातें चल रही थी कि किस तरह से देश का संविधान बनाया जाए, तो वो सब चीज़ें चल रही थी, तो वो इंडियन पॉलिटिकल वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट था वो हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। आज आपकी हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। हमारा फेसबुक पेज है इंजीनियर आशीष, इंस्टाग्राम है engineer/आशीष/। अगर देखो, अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना। बाकी नोट्स आपको चाहिए होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल में कई सारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर किसी भी तरह की वीडियो चाहते हो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अगर कोई वीडियो को लगता है वहाँ पर चैनल में अवेलेबल नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर हमें बता सकते हो, हम उस वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।